तमिलनाडु में फंसे बिहार के मजदूरों का पीएमसीएम से गुहार, बोले सुरक्षित घर पहुंचा दीजिए। कई की हो चुकी है हत्या, कई हैं घायल। तमिलनाडु में लगातार बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले में अब तक करीब 12 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। कई ऐसे मजदूर हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन वहां मौजूद असामाजिक तत्वों ने हिंदी बोलने वाले बिहारी मजदूरों पर हमला कर रहे हैं। पीड़ित मजदूरों ने वीडियो जारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार से जान बचाने की गुहार भी लगाई है, साथ ही सुरक्षित राज्य वापस भेजने की अपील की है। एक कमरे में कैद हैं मजदूर। पीड़ित मजदूर जमुई के अलावा अन्य जिलों से भी हैं। सभी मजदूर तमिलनाडु के अलग अलग जिले में फंसे हुए हैं। वहीं पीड़ित मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कहा है कि सीएम और पीएम साहब हम लोगों को बचा लीजिए। अपनी जान बचाने के लिए यहां हजारों मजदूर एक रूम में बंद हो गए हैं। साथ ही मजदूरों के नाम नहीं छापने की शर्त पर उन्होंने बताया कि वह जमुई जिले के अलग अलग गाँव से रहने वाले हैं। हिंदी बोलने अन्य मजदूर भागलपुर, जमुई, मुंगेर सहित राज्य के अलग अलग जिलों से हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर, बाढ़ावली, कोयम्बटूर सहित अन्य जिलों में रहकर मजदूरी कर रहे हैं। 800 में मजदूरी करने पर धमकी। तमिलनाडु में काम कर रहे जमुई के मजदूर ने बताया कि कुछ महीने पहले हिंदी बोलने वाले बिहारी मजदूर और स्थानीय तमिलनाडु मजदूरों के बीच एक बैठक की गई थी। उसमें उन लोगों ने धमकी दिया था कि बिहारी मजदूर 800 रुपये लेकर नहीं बल्कि 1200 रुपये लेकर काम करेंगे। मालिक से इतनी रकम मजदूरी नहीं लेने पर सजा भुगतने की धमकी दी गई थी। वहीं मजदूरों ने बताया कि उन्हें 800 प्रत्येक दिन की दर से उचित मजदूरी दिया जाता है। उन लोगों ने अधिक रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया। इसको लेकर लगातार बीते एक महीने से हिंदी बोलने वाले बिहारी मजदूरों पर जानलेवा हमला किया जा रहा है, जिससे डर कर बिहार के तमिलनाडु पहुँचे मजदूर यहाँ से भाग जाएं। करीब 12 की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले बिहारी मजदूरों पर लगातार जानलेवा हमला किया जा रहा है। इसमें अब तक करीब 12 मजदूरों की हत्या हो चुकी है, लेकिन वहां की स्थानीय पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां की पुलिस उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। नतीजन वहाँ काम कर रहे बिहारी मजदूरों में अभी भी दहशत बनी हुई है। इस हमले में जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत वार्ड संख्या 12 निवासी कृष्ण दास का 18 वर्षीय पुत्र मोनू कुमार, सिकंदरा थाना क्षेत्र के धंधौर निवासी तीरपुर में रहने वाले पवन कुमार पर तेज हथियार से हमला कर दिया गया। इसमें पवन की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अपने भाई को बचाने गया उसका छोटा भाई नीरज को भी असामाजिक तत्वों ने घायल कर दिया। जबकि भागलपुर, मुंगेर, नवादा जिले के अन्य मजदूर की हत्या हो चुकी है, जिसमें महिला मजदूर भी शामिल है। लेकिन इस हमले पर अभी तक बिहार के नेताओं का या तमिलनाडु के नेताओं का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। तो देखते हैं बिहार के इन मजदूरों की कब तक तमिलनाडु में यह गति होती रहती है, कब तक ये नेता अपने वोट बैंक के चक्कर में मुंह पर गूंद लगाए बैठे रहते हैं। तो बने रहिए आप सब हमारे न्यूज़ चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।